Hello everyone, so today we are going to learn about Laurie method. What is the Laurie method? What is the principle of Laurie method? What are the steps of Laurie method? चूँकि हम lab में perform करेंगे या फिर करते हैं तो हम कौन कौन से steps को follow करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से reagents हैं, यानी कि कौन कौन से chemicals जो हमें use करने होते हैं for this method, ठीक है, और इसके application क्या क्या है, यानी कि हम कौन कौन से अपने purpose के लिए इस method का use कर सकते हैं, ठीक है. So everything we are going to discuss about Laurie method in this video. Basically जो Laurie method होता है इसका जो main purpose है, ठीक है, इसका जो main इसका जो purpose है यानी कि जो aim है वो हम किस लिए है, it is mainly used for to estimate the amount of protein which is present in our sample. ठीक है, हमारा जो sample है, हमारा sample solution है, उसमें अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा इस sample में कितना amount प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है. बेसिकली देर इज़ वन मोर मेथड, दैट इज़ द ब्रैडफोर्ड एसे, ठीक है, विच इज़ लिटिल बिट सिमिलर टू दिस मेथड. क्या होता है, जो ब्रैडफोर्ड एसे है वहाँ पे, दैट इज़ बेस्ड ऑन द बाइंडिंग ऑफ क्यूमसिव ब्रिलियंट ब्लू डाई टू द प्रोटीन्स विच कॉजिंग अ शिफ्ट इन द डाईज एब्जॉर्बेंस, ठीक है. वहाँ पे जो हम लोग ब्रिलियंट ब्लू डाई का यूज़ करते हैं वहाँ, और वहाँ पे कलर चेंज होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, यानी कि लॉरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इट इज़ बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ द फॉलिंग स्टीरियोकैल्क्यूल रिएजेंट्स, दैट इज़ एफसी रिएजेंट, उसको हम एफसी रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, बाय प्रोटीन कॉपर कॉम्प्लेक्सेस लीडिंग टू द कलर चेंज. एफसी रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं जब, तो ये जो हमारा सैम्पल सॉल्यूशन है उसका ये कलर चेंज कर देता है, ठीक है, दैट इज़ द ब्लूइश कलर. यानी कि अगर आपके सैंपल में, आपके सॉल्यूशन में, सैंपल सॉल्यूशन में अगर आपका प्रोटीन का कंसंट्रेशन, उसका जो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, देन यू विल गेट डार्क ब्लूइश कलर, ठीक है. अगर आप उसका कलर बहुत कम है, यानी कि इट कैन बी लिटिल बिट, राइट, ये भी हो सकता है कि आपके सैंपल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है तो डार्क ब्लू कलर मिलेगा, जितना कम होगा उतना लाइट ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है. सो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, फाइन. और बॉस इस ब्रैडफोर्ड एसे जो होता है वहाँ पे जो हम लोग एब्जॉर्बेंस लेते हैं, ठीक है, उसका उसको डिटेक्ट करने की जो एब्जॉर्बेंस यानी कि वेवलेंथ जो रहेगी वो 595 नैनोमीटर, बट हेयर वी यूज़ द वेवलेंथ दैट इज़ द 750 नैनोमीटर. सो दिस इज़ द मेथड, ओके, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय ऑलिवर एच लॉरी इन 1951 विच इज़ यूज टू द मेजर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इन अ सैम्पल. यहाँ पे ये जो मेथड होता है वो ये कंबाइन करता है द ब्यूरेट रिएक्शन कॉपर बाइंडिंग टू प्रोटीन्स विद द एफसी रिएजेंट, ओके, विच एम्पलीफाइज द कलर चेंज मेकिंग इट इजियर टू मेजर इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, फाइन. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, राइट, एंड इट इज़ यूज इन वेरियस फील्ड्स, लाइक अगर आपको प्रोटीन प्योरीफिकेशन, यानी कि अगर आपने कोई आप प्रोटीन प्योरीफिकेशन कर रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू चेक लाइक हाउ मच प्रोटीन यू हैव आइसोलेटेड, सो यू कैन गो फॉर दिस मेथड, राइट. एंजाइम इज, इफ यू वॉन्ट टू नो लाइक हाउ मच एंजाइम इज प्रेजेंट इन अ रिएक्शन, देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस मेथड. बायोलॉजिकल रिसर्च, इफ यू वॉन्ट टू एनालाइज लाइक कोई सेल है, ठीक है, कोई टिश्यू है, कोई फ्लूड है, अगर आप जानना चाहते हैं कि उसमें प्रोटीन कंसेंट्रेशन कितना है, प्रोटीन का कंटेंट कितना है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस मेथड, राइट. सो देर आर लॉट्स ऑफ वेरियस फील्ड्स, देर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दिस मेथड. सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, देखिए अगर आप जितना ज़्यादा अगर आपके सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कि मोर प्रोटीन मे बी इट मीन्स मोर अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट, यानी कि अमाइड बॉन्ड आपके बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट है यानी कि उनमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ओके, दैट्स वाई अमाइड बॉन्ड, राइट. एंड मोर पर्पल कलर, यानी कि आपको डार्क ब्लू कलर मिलेगा या तो फिर डार्क पर्पल कलर मिलेगा, ठीक है, डार्क पर्पल या तो डार्क ब्लू कलर, फाइन. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रिंसिपल. सो द मेथड वर्क्स बाय मेजरिंग हाउ मच कलर चेंज अकर व्हेन प्रोटीन रिएक्ट्स विद सर्टेन केमिकल्स, यानी कि जब आप ये मेथड फॉर्म करते हैं तो आप कुछ केमिकल्स को ऐड करते हैं उस सैंपल में, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट सैंपल, बिकॉज ऑफ दो सैंपल्स, इसका जो कलर रहेगा, जो आपके सैंपल का जो कलर है, उन केमिकल्स की वजह से कलर चेंज होगा, तब आपको जो डार्क ब्लू है या फिर ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है.
इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं सैंपल में, ये बाइंड करती हैं कॉपर आयन से, दैट इज़ द क्यूप्रिक आयन, राइट, एंड इन एन एल्केलाइन सोल्यूशन रिड्यूसिंग देम टू कॉपर आयन, दैट इज़ अ क्यूप्रिक आयन. सो हियर प्रोटीन्स इन द सैम्पल बाइंड्स विद कॉपर आयन्स Cu+2 आयन्स, दैट इज़ अ क्यूप्रिक आयन, इन एन एल्केलाइन सोल्यूशन रिड्यूसिंग देम टू क्यूप्रस आयन Cu+1 आयन्स. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, Cu+2 को ये किस में रिड्यूस कर देती हैं, देन टू द क्यूप्रस आयन में. ठीक है, एंड फॉर दिस रिएक्शन मेनली जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और अमाइनो एसिड, कौन से अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, एंड देन एफसी रीजन रिएक्ट्स विद क्यूप्रस आयन टर्निंग द सोल्यूशन ब्लू. सो एंड जो एफसी रीजेंट होता है वो क्यूप्रस आयन से रिएक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ब्लू कलर. द मोर ब्लू द सोल्यूशन द मोर प्रोटीन्स इज प्रेजेंट. द ब्लू कलर इज मेजर्ड यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट 750 नैनोमीटर एज आई ऑलरेडी सेड. सो फॉर दिस मेथड रिएजेंट्स रिक्वायर्ड, दैट इज़ द एल्केलाइन कॉपर सोल्यूशन विच इज रिएजेंट ए. ठीक है, इसमें क्या होता है, इट कंटेन सोडियम कार्बोनेट इन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड Cu, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम टार्ट्रेट. ठीक है, दिस सोल्यूशन बाइंड्स टू प्रोटीन्स एंड हेल्प्स फॉर द कॉपर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. एंड नेक्स्ट वन इज़ द फॉलोइंग सी कैल्थ रीजन, दैट इज ऑल्सो नोन एज एफसी रीजन, जिसको हम लोग रीजन बी बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है, ये मिक्सचर होता है फॉस्फोटंगस्टिक एसिड और फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड का. ठीक है, एज यू नो वेरी वेल, जो कि रिएक्ट करेगा क्यूप्रस आयन से और ब्लू कलर जनरेट करने में हेल्प करता है. सो दिस इज़ द प्रोसीजर, एज यू कैन सी हियर दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स. फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर प्रोटीन सैम्पल्स, टेक डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन सैम्पल्स और अननोन सैम्पल्स, देन एड एल्केलाइन कॉपर सोल्यूशन, दैट इज़ अ रीजन ए, एड 1 ml ऑफ रीजन ए टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स वेल, इनक्यूबेट एंड फॉर 10 minutes एट रूम टेम्परेचर. सो यू कैन फॉलो ऑल दीज मैथड्स, ऑल दीज स्टेप्स टू परफॉर्म दिस method, and at the end you have to take OD, that is optical density, by using of a spectrophotometer at 750 nanometer, okay, to measure the blue color in each test tube, in each sample, right. So after that you have to prepare a standard curve by using of different concentration of standard protein, yani ki jo aapne standard banaye hue hain, theek hai, aur aapne jo OD liya hua hai by using of 750 nanometer, at the 750 nanometer by using of spectrophotometer, okay. So आप उसका standard curve बनाएंगे, ठीक है, then आपको calculate करना पड़ेगा. So इस तरह से आप अपना जो concentration है आपको easily पता चल जाएगा, like how much concentration is present in your sample. So standard protein like BSA, that is a bovine serum albumin, to compare with a known sample, BSA is very important for this method. So these are the different advantages of Lowry method. So it is highly sensitive because it can detect very small amount of protein as low as 5 microgram per ml. ठीक है, it is more sensitive as compared to the Bradford assay, right. Next one is the versatile, works well with a wide range of protein samples, relatively simple, easy to perform and doesn't require expensive equipment, and widely used in research labs and industrial setting to estimate protein concentration. Limitations of the Lowry method, as we saw, like there are multiple advantages of this method. ठीक है, तो इसके कुछ limitations भी हैं, जैसे कि हम जानते हैं ये method बहुत ज़्यादा sensitive है. ठीक है, sensitive in the sense, अगर आप कोई भी chemical use कर रहे हैं, ठीक है, आप जो reagent use कर रहे हैं तो उनको आपको बहुत ही ध्यान से बनाना होता है, यानी कि कोई भी केमिकल का जितना एग्जैक्ट अमाउंट, जितना आपको मेंशन किया गया है कि इतना आपको वो केमिकल ऐड करना है, राइट, कितना बफर ऐड करना है, क्या क्या उसके रिड्यूसिंग एजेंट्स होने चाहिए, क्या डिटर्जेंट, कितना कंसंट्रेशन, सो आपको वो सब बहुत ही प्रॉपरली इसको बनाना होता है. ठीक है, कैलकुलेशंस करनी होती हैं, सो इट कैन अफेक्ट योर रिजल्ट ऑल्सो, राइट. एंड contaminants in the sample might interfere with the copper protein reaction, leading to accurate readings. Time consuming, requires careful preparation and incubation periods.
ओके, मेकिंग इट स्लोअर दैन सम न्यूअर प्रोटीनेसिस। स्टेबिलिटी इश्यूज ऑल्सो लाइक एफसी रेजेंट कैन बी अनस्टेबल एंड मस्ट बी प्रेसली प्रिपेयर्ड फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। सो यहाँ पर आपको जो एफसी रेजेंट है, जब भी आप ये मेथड परफॉर्म करने चाह रहे हैं, सो आपको ये फ्रेशली बनाना होता है। आप जो प्रीवियसली आप पहले का एफसी रेजेंट बना हुआ रखा है, अब उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आपको फ्रेश ही प्रिपेयर करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको लॉरी मेथड के बारे में जानने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।